47,000 की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवनीत और आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आप लोग के काफी डिमांड के बाद एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ पटना के सेकेंड हैंड कार बाजार के शॉप का जो नाम है वो है अम्बे कार बाजार पटना, और ये है बोरिंग कैनाल रोड में। बहुत सारी गाड़ियों का कलेक्शन लाइक स्कॉर्पियो, इनोवा का क्रिस्टा वगैरह जो भी है, टोयोटा इनोवा, और बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल है, अल्टो भी है, बहुत सारी कलेक्शन। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी गाड़ियों का प्राइस एंड डिटेल आपको बारी बारी से बताते हैं, तो वीडियो में बने रहिए एंड तक एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए आपको यहाँ के जो सेल्समैन है उनसे आपको बात करवाते हैं। तो आइए भैया, और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार है और अम्बे मोटर के स्टाफ है। तो अम्बे मोटर के ये सेल्समैन है जो कि आप इनसे आके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एवरी टाइम। आपको यहाँ पर जो भी चीज़ का डिटेल्स है वो आपको प्राइस वगैरह ये आपसे इन्हीं से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आपके पास कौन कौन सी गाड़ियों का कलेक्शन है? वेगन आर है, होंडा एमेज है, स्कॉर्पियो है, एसक्यूबी है, इनोवा क्रिस्टा है, नॉर्मल इनोवा भी है, अल्टो भी है, प्रेसो भी है और डिजायर भी है। बहुत सारा गाड़ियाँ है, सारे अच्छा, गाड़ियाँ मतलब, इसका स्टॉक मेरे पास है। अच्छा, कहा जाए तो मतलब कि सभी गाड़ियों का कलेक्शन है, यानी 23,000 चली हुई है मात्र। अच्छा, तो ये इसका आप कितना सेलिंग प्राइस रखे हुए हैं? ज़्यादा डिमांड नहीं है भैया, 5.5 लाख डिमांड है, आने पर कुछ कम बेसी भी हो जाएगा। 5.5 मतलब आस्किंग प्राइस है, और अगर आप यहां आके ऑन टेबल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो गाड़ी है वो मुजफ्फरपुर की रजिस्टर्ड गाड़ी है, मुजफ्फरपुर नंबर प्लेट गाड़ी है। तो चलिए मैं गाड़ी का आपको इंटीरियर दिखाने की कोशिश करें क्लीन के साथ, ये देख सकते हैं। और ये देखिए चारों पावर विंडो आपको मिल जाएगा, मतलब ये फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी आपको मतलब वैगनआर की टॉप मॉडल के अंतर्गत ये आती है, और काफ़ी अच्छी गाड़ी है। ये देखिए आपको मैं एंड फर्स्ट ओनर, और सबसे बड़ी बात फर्स्ट ओनर में गाड़ी है, और टेचअप वगैरह भी आई थिंक नहीं होगा इस गाड़ी के अंदर, तो ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है। तो क्या इसका प्राइस रखे हुए हैं? ज़्यादा डिमांड नहीं है, 7.5 लाख डिमांड है, 7,25,000 में गाड़ी छोड़ देंगे। अच्छा, तो 7,25,000 तक आपको ये गाड़ी मिल जाएगा ऑन टेबल आने के बाद, थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो ही जाएगा जब अगर आप आएंगे, और स्पेशली अगर आप वीडियो के थ्रू आएंगे तो और भी आपको थोड़ा बहुत कंसेशन हो ही जाएगा। एंड बात करें टायर की कंडीशन की, तो लगभग 60-70% इस गाड़ी का टायर का कंडीशन बचा हुआ है। और होंडा एमएच कहा जाता है कि यार मिड प्रीमियम की ये लग्जरी गाड़ी में आता है, ठीक है। तो जैसा कि देखिए पीछे का भी आप इंटीरियर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी है, और आप स्पेशली आप फैमिली एंड टूर एंड ट्रैवल के लिए इस गाड़ी को बाई कर सकते हैं। विथ एलो आई व्हील के साथ आपको ये गाड़ी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा इस गाड़ी का इंटीरियर है, मतलब देखिए यहाँ पर एवरीथिंग। एंड आपको बैक प्रोफाइल से भी आपको दिखा देता हूँ। अब जो नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आते हैं वो है आप लोग का सबसे मन पसंदीदा गाड़ी, हर किसी का ही है, जो कि है महिंद्रा स्कॉर्पियो की SUV, जो कि जनरली हर किसी का डिमांड रहता है। यहाँ पर लगी हुई है स्कॉर्पियो सीरीज की ये गाड़ी है, एंड इस गाड़ी की डिटेल्स एंड प्राइस वगैरह आपको मैं बताना चाहूँगा। तो ये गाड़ी का क्या डिटेल है स्कॉर्पियो का? 2018 मॉडल है। स्कॉर्पियो की कौन सी मॉडल है ये, S2 या S3? S3 है भैया। अच्छा, ये S3 है जी। अच्छा, 2018 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, 47,000 किलोमीटर मात्र चली है, और ज़्यादा डिमांड नहीं, 10.5 लाख का डिमांड है। तो ओनली आपको 10.5 में मिलने वाला है महिंद्रा स्कॉर्पियो S3 2018 मॉडल प्लस BR06 का नंबर, यानी कि मुजफ्फरपुर DTO रजिस्टर्ड गाड़ी माल मिलने वाला है मात्र आपको 10.5 लाख में आपको मिलने वाला है। चलेगा दोस्तों इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं, उससे पहले मैं आपको टायर की कंडीशन दिखाना चाहूँगा। लगभग 60% इसका भी टायर बचा हुआ है, एंड सर्विस रिकॉर्ड के साथ ये किलोमीटर आपको मैं बताया जो भी है। तो चलिए इस गाड़ी का आपको इंटीरियर दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए महिंद्रा स्कॉर्पियो S3 का ये देखिए यहाँ पर इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा कूल दिख रहा है ये भी गाड़ी। ये देखिए महिंद्रा स्कॉर्पियो है दोस्तों, S3 का डैशबोर्ड हर कुछ आपको नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है स्कॉर्पियो S3, और यहाँ पर टायर देख लीजिए, पीछे वाला टायर तो काफ़ी नया लग रहा है, लगभग 70% लग रहा है देखने में। और ये देखिए बैक प्रोफाइल से आप देख सकते हैं एक बार गाड़ी को, यहाँ पर स्कॉर्पियो S3 की बैजिंग दी गई है। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं, जो कि ये भी महिंद्रा की XUV 500, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस गाड़ी है, प्रचलित गाड़ी है, लोगों का डिमांडेबल गाड़ी है। तो इस गाड़ी का डिटेल बताइए। 2017 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, 44,000 सर्विस रिकॉर्ड, ये भी गाड़ी मिलेगा आपको। अच्छा, तो जितना भी गाड़ी है दरभंगा नंबर का रजिस्ट्रेशन भी है। अच्छा, दरभंगा की गाड़ी है, यानी कि दरभंगा के साइड से अगर आप देख रहे हैं तो इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। और इसमें खास बात भी ये है कि जितने भी गाड़ी मैं दिखा रहा हूँ ना, वो सर्विस रिकॉर्ड के साथ चली हुई गाड़ी है किलोमीटर के साथ। एंड यहाँ पर आने के बाद आपको प्राइस के बाद भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो ही जाएगा। तो बाकी और कुछ बताइए इस गाड़ी के बारे में, जैसे प्राइस एंड डिटेल। इसका प्राइस तो 10.75 है, 10.5 में ऑल पेपर कंप्लीट करके हम देने वाले हैं। अच्छा, इसमें सनरूफ भी लग रहा है?
है, 4 एयरबैग भी है, म्यूजिक सिस्टम, वीडियो, मेरा सब चीज़ है, एमरा कैमरा सब चीज़ है इसमें। तो कहा जाए तो फुल्ली लोडेड, फुल्ली फीचर्स से लोडेड ये गाड़ी महिंद्रा XUV 500 और W10 मॉडल का, और ये देखिए ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी है। यहाँ पर पावर विंडो के साथ मिलेगा, और देखिए इस, और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग गाड़ी है। यहाँ पर सनरूफ भी दिया गया है जो कि देख सकते हैं, और म्यूजिक सिस्टम, एसी, हीटर, एवरीथिंग इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा, और काफ़ी लग्जरी है, यानी कि फुल फैमिली के साथ आप कहीं भी टूर एंड ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ देखिए 7 गाड़ी है, 2 पीछे है, 3 बीच में और 2 आगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ये गाड़ी होने वाला है, और सबसे बड़ी चीज़ इसका टायर का कंडीशन देखिए, लगभग 70% इसका टायर बचा हुआ है। और पीछे से आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बैक प्रोफाइल से भी आप देख सकते हैं XUV 500 की लोगो एंड W10 ये मॉडल है, मॉडल नंबर W10। स्पीड जितना बांधना बांध लीजिए, चलते रहेगा। अरे लॉन्ग राइड के लिए बढ़िया है यार, क्रूज मोड के साथ फिकर आना है क्रिस्टा, हमको महा घटिया लगता है, इनोवा लुक वाइज अच्छा लगता है, इसमें बैठ के जाएगा ना पीछे तो बोल रहे हैं भैया, हमको लुक वाइज अच्छा लगता है। 5 ना दोस्तों, चलिए इस सेगमेंट की नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं, जो कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। चलिए इस गाड़ी का डिटेल जानते हैं। 2018 मॉडल है भैया, और पटना नंबर का रजिस्ट्रेशन है। इनोवा क्रिस्टा भी है, सबसे टॉप से भी नीचे टॉप आता है भी, उसके बाद जेड आता है, सबसे टॉप होता है, और फर्स्ट ओनर है, और 48,000 किलोमीटर नाम सर्विस रिकॉर्ड ये भी है, अभी चली हुई है 48 जी। और बात करें इस गाड़ी के सर्विस रिकॉर्ड है ना चला हुआ, तो बात करें इस गाड़ी के प्राइस के बारे में, तो कितना ये सेलिंग प्राइस? 18.5 लाख डिमांड है भैया, और आने पर कुछ कम बेसी भी हो जाने वाला, तो आने पे आपको डिस्काउंट और भी हो जाएगा ऑन टेबल आने के बाद। तो ये है टोयोटा का इनोवा, जो कि लग्जरी कार में ये गाड़ी आती है। इनोवा के बहुत सारे लोगों का डिमांड हमेशा रहता है टोयोटा का इनोवा का, और इस गाड़ी का आपको मैं एक बार इंटीरियर एंड राउंड भी दिखाना चाहूँगा। पहले तो आप इसमें टायर देख लीजिए, अपोलो का टायर लगा हुआ है, जो कि अपोलो का टायर बहुत ही बेस्ट होता है 2-व्हीलर और 4-व्हीलर के लिए, जैसा कि आपको पता होगा। एंड चलिए इस गाड़ी को, एंड चलिए दोस्तों इस गाड़ी का आपको इंटीरियर दिखाते हैं एक बार। तो ये है दोस्तों टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का इंटीरियर, जो कि देख सकते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है ये गाड़ी। ये देखिए डैशबोर्ड वगैरह, पावर स्टीयरिंग, हर कुछ आपको इस गाड़ी में नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। और पीछे का भी आप सीट देख सकते हैं, 7 ये गाड़ी है, इसका टायर देख सकते हैं पीछे से आप, और बैक प्रोफाइल से भी आप देख सकते हैं, यहाँ का मॉडल है 2.5V, ये देखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं। तो चलिए, तो इस सेगमेंट में एक और इनोवा गाड़ी है टोयोटा का, और इस गाड़ी का क्या डिटेल? ये 2014 मॉडल है, और फर्स्ट ओनर है, और पटना का रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये भी बहुत काफ़ी अच्छा गाड़ी, कंडीशन में है, अच्छा गाड़ी है, और ज़्यादा डिमांड नहीं है भैया, 6.5 लाख दें और गाड़ी लेके जाए। ओनली 6.5 लाख में, 6.5 लाख में आप इनोवा ले जा सकते हैं, टोयोटा का इनोवा मात्र 6.5 लाख में। तो भैया इससे बढ़िया डील आपको अब कहाँ मिलने वाली है, जो कि देख सकते हैं ओनली ऑन आपको अम्बे कार बाज़ार में आपको मिलेगा। टोयोटा इनोवा मात्र 6.5 लाख में आपको मिलने वाला है, जो कि देख सकते हैं कौन से मॉडल का है, 2014 मॉडल की टोयोटा इनोवा, मात्र 6.5 लाख में, पटना नंबर रजिस्टर्ड। एंड बात करें कंडीशन की, तो लगभग गाड़ी का जो कंडीशन है भाई, वो एकदम बचा हुआ है, देख सकते हैं ये चारों साइड से, मैं आपको दिखाना चाहूँगा देखिए। और टायर की भी कंडीशन, यहाँ पर JK का टायर लगा हुआ है, प्लस में देखिए ये मॉडल भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार, और देखिए 60-70% इसका टायर भी बचा हुआ है, और साइड प्रोफाइल से आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत टचअप हुआ है बस, और ये देखिए। चलिए मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस गाड़ी का आप इंटीरियर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये भी गाड़ी लग्जरी लग रहा है देखने में, और ये देख सकते हैं डैशबोर्ड वगैरह हर कुछ इसमें प्रीमियम क्वालिटी का दिख रहा है। और ये 7 गाड़ी का, ये गाड़ी भी 7 आता है, जो कि पीछे देख सकते हैं सीट कवर, सीट वगैरह देख सकते हैं, एवरीथिंग आपको मिलने वाला नीट एंड क्लीन विथ AC, हीटर, हर कुछ के साथ, कंपनी फिटेड, सोनी का म्यूजिक लगा हुआ है इसमें। चलिए दोस्तों इस गाड़ी को अगली गाड़ी देखते हैं। हो गया दाम का, प्राइस का? 11 डिमांड नहीं, 3 लाख रुपया डिमांड है भैया, आने पर कुछ कम बेसी भी हो जाएगा। अच्छा, तो मात्र 3 लाख में आपको ये मिलने वाला है जी।
तो मात्र आपको 3 लाख में मिलने वाला है, बाकी और भी आपको डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे आके ले जाते हैं। ठीक है, चलिए इस गाड़ी का आपको इंटीरियर दिखा देते हैं। तो देखिए ये है अल्टो 800, जो कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये डील होने वाला है। इसका इंटीरियर देख सकते हैं, इसका इंटीरियर देख सकते हैं, डैशबोर्ड वगैरह एवरीथिंग आपको नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं पीछे का कंडीशन भी काफ़ी अच्छा ये गाड़ी है। ऑनर बन जाएंगे तो ये कितना किलोमीटर चली होगी? ये भी 33,000 सर्विस रिकॉर्ड गाड़ी है। 33,000 मात्र चली हुई है। एंड बात करें इस गाड़ी की प्राइस के बारे में, तो प्राइस ज़्यादा नहीं, 4,75,000 डिमांड है। 4,60,000 में गाड़ी छोड़ देने वाले हैं। इसमें एयर बैग भी मिल जाएगा आपको, कैमरा वगैरह सब चीज़ मिलने वाला है। हाँ, तो बात करें इस गाड़ी में तो एयर बैग वगैरह कैमरा वगैरह हर कुछ आपको इनबिल्ट इस गाड़ी के अंदर मिलेगा। और ये गाड़ी आपको महिंद्रा ग्राउंड क्लियरेंस और ये सुजुकी एक्सप्रेसो आपको मिलने वाला है मात्र 4,60,000 में। MRF का टायर लगा हुआ है, लगभग 70% इसका टायर बचा हुआ है। और साइड प्रोफाइल से आप देख सकते हैं इस गाड़ी को, एस्प्रेसो गाड़ी होने वाला है। और पीछे का भी आप इंटीरियर देख सकते हैं इस गाड़ी का, काफ़ी ज़्यादा गुड डील में ये गाड़ी आप ले सकते हैं। पावर विंडो नहीं है, स्टीयरिंग कंट्रोल हर कुछ आपको इस गाड़ी में मिल जाने वाला है।